पलवल में नेशनल हाईवे नंबर 2 के पास बसे गांव अटोहा के पास केजीपी एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगे कर्मचारियों ने नेशनल हाईवे से गांव अटोहा से जाने वाले रास्ते को खोद दिया, जिससे वहां के ग्रामीणों का आवागमन बंद हो गया। वहीं रास्ता खोदे जाने के बाद सभी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य को रुकवा दिया। एक्सप्रेस वे के अधिकारियों ने ग्रामीणों को बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 2 में जहां गांव अटोहा के लिए रास्ता निकलता है, उसी रास्ते पर केजीपी एक्सप्रेस वे के लिए बनाए जा रहे इंटरचेंज का एग्जिट प्वाइंट आता है, जिस कारण इस रास्ते को बंद किया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते के बंद होने से उनको करीब 6 किलोमीटर दूर से चक्कर लगाकर गांव में आना पड़ेगा। अब ग्रामीण पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जिसके चलते एक्सप्रेस वे के लिए बनाए जा रहे इंटरचेंज का एग्जिट प्वाइंट का काम भी रुका हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा।